पंजाबी रेडियो यूएसए पेश करता है आज दा दिन सिख इतिहास विच। सिख इतिहास दीयां घटनावां 14 मई दा दिन 1710 सरहंद शहर ते किले उत्ते भी सिखां दा कब्जा 12 मई दे दिन चप्पड़चिड़ी दी लड़ाई जित्तण मगरों 20 किलोमीटर दा फासला तय करके सिख रात वेले सरहंद पहुंच गए। इस वेले शहर दे दरवाजे बंद सन। सिख फौजां ने सरहंद नगर नूं घेरा पा लिया। अगले दिन एक निक्की जिही झड़प मगरों सिख शहर अंदर दाखल हो गए। उन्होंने वजीर खां दी लाश दा जलूस कढ़िया ते किले दे कोल लै आए। उन्होंने इस लाश नूं इक दरख्त नाल पुट्ठा लटका दिता। इस वेले तक लाश चों बदबू आउण शुरू हो चुकी सी। छेती ही गिरजां ते होर पंछियां ने उसकी लाश नूं नोचना शुरू कर दिता। ये वेख के शहर के लोग बुरी तरह दहल गए। उन्होंने कई ने सिख फौजां तों रहम की मांग की। इस वेले तक शहर च खामोशी ते डर का माहौल बन चुका सी। सिखां ने शहर वासियों नूं यकीन दवाया कि कोई भी सिख किसी बेगुनाह का वाल भी विंगा नहीं करेगा। हुण सिखां ने किले वल मूंह किया जिथे जबरदस्त लड़ाई हुई। किले दीआं तोपां दे गोलियां नाल 500 दे करीब सिख शहीद हो गए। इस ते कुछ सिख किले दे नेड़े एक पट्ठे ते चढ़ गए ते उत्थों उन्होंने किले ते गोले दागने शुरू कर दिते। हुण सिख फौज ने चप्पड़चिड़ी च सरहंदी फौज तों खोईयां तोपां नाल किले उत्ते गोलीबारी करके अंदर जाण दा रस्ता बना लिया। किले दे अंदर बची खुची सरहंदी फौज जो अजे आकी हुई बैठी सी ने भी थोड़े ही समय च हथियार सुट दिते। हुण सरहंद उत्ते सिखां दा मुकम्मल कब्जा हो चुका सी ते इस वेले शहर जां किले च मुखालफत करन वाला होर कोई नहीं सी बचिया। वजीर खान का पुत्र समुंद खां चौखी दौलत लैके दिल्ली वल भज चुका सी पर सुचानंद अजे भी शहर च लुकिया बैठा सी। बंदा सिंह ने मुखी शहरियां दा एक इकट्ठ बुलाया ते ऐलान कीता कि सिख किसी भी बेगुनाह नूं कोई तकलीफ नहीं मौन देणगे ते मुजरम नूं माफ नहीं किया जाएगा। इस ते लोकां ने राहत महसूस की ते बहुत सारे लोग बंदा सिंह नाल मिलवरतन करन लग पए। उन्हां चों किसी ने सुचानंद का भी थौ पता दस दिता। सुचानंद चप्पड़चिड़ी चों दौड़ आउण दे बावजूद सरहंद चों दौड़ नहीं सी सकिया क्योंकि वह अपनी बेशुमार इकट्ठी की हुई दौलत को संभालन ते कढ़ के लिजाण दीआं स्कीमां घड़दा रह गया सी। उसनू गिरफ्तार करके उसके नक्क च नकेल पा के उसनू घर घर भिख्या मंगण ते मजबूर किया गया। रस्ते च लोगों ने उसनू पत्थर भी मारे। अखीर बुरी तरह जलील होकर सुचानंद मर गया। सुचानंद कोल बेशुमार दौलत सी। यह सारी दौलत नू जब्त कर लै गया ते बंदा सिंह ने सुचानंद दे परिवार नू भी सज़ा दित्ती। उन्हां नू जिस्म दे गुप्त अंगां नू ढक्कण जोगा कपड़ा दे के शहर च मंगण ते मजबूर किया गया ते नाल ही शहर च यह मुनियादी भी करवा दी गई कि कोई भी शख्स इन्हां नू कौड़ी तों भी वध भिख्या ना देवे। इस दे नाल ही बंदा सिंह नू हर उस शख्स नू सजाए मौत दित्ती जिसने लोगों ते जुल्म ढाए सन। सुचानंद ते वजीर खान दे महलां बारे मुहम्मद कासिम लिखदा है कि उन्हां दे सुरगां वर्गे महल कावां दे अड्डे बन गए सन। 1910 सरदार जवाहर सिंह कपूर की मौत। 1875 च एक हिंदू साधु दयानंद ने मुंबई जो कि हुण मुंबई है च आरिया समाज की नींह रखी। वह अप्रैल 1877 च पंजाब भी आया। जून च लाहौर च भी दयानंद की ब्रांच बन गई। अगले साल तक अमृतसर रावलपिंडी मुल्तान गुजरांवाला गुरदासपुर फिरोजपुर जेलम वजीराबाद वगैरह च भी इस दीयां ब्रांचां कायम हो गईयां। आरिया समाज के ऐलाने गए निशानियां नूं वेख के कई सिख भी इस दे मैंबर बन गए। इन्हां चों एक जवाहर सिंह कपूर आरिया समाज के सकत्तर भी बनाते गए ते उन्होंने बहुत मेहनत दे नाल इस जथेबंदी वास्ते वध चढ़ के काम किया। सरदार जवाहर सिंह ने कई साल आरिया समाज की सेवा की। 25 नवंबर 1888 के दिन एक ब्राह्मण गुरुदत्त ने अमृतसर च एक लैक्चर करदिआं गुरु साहब के खिलाफ घटिया बोली वरती सी। इस वेले तक जवाहर सिंह कपूर आरिया समाज के सकत्तर सन। दयानंद वालों किए वादे मुताबक सत्यार्थ प्रकाश विचली घटिया लफाजी भी तब्दील नहीं सी हुई। इस दे रोस वजों जवाहर सिंह कपूर ने आरिया समाज तों इस्तीफा देता ते सिंह सभा लहर च शामिल हो गए। इस तों बाद कोई भी सुचा सिंह आरिया समाज दे नाल ना रहा। भावें जवाहर सिंह कपूर डॉक्टर जय सिंह मेहर सिंह चावला सिंह सभा नाल संबंधित भी सन पर वह वखरियां अपने तौर पर ही निगर रोल अदा कर रहे सन। 1887 तों मगरों एक एक करके सिंह सभा लहर के सारे मोढ़ी आगू चढ़ाई करन लग पए। 14 मई 1910 के दिन सरदार जवाहर सिंह कपूर भी चढ़ाई कर गए। 1978 निरंकारियां विरुद्ध दिल्ली च रोह जलूस 4 सिख मारे गए। 14 मई 1978 अमृतसर च निरंकारियां वालों 13 सिखां दा कतलेआम किए जाने विरुद्ध रोस जलूस होर थावां तों इलावा दिल्ली च भी निकले। 1978 दिल्ली च निकले जलूस उत्ते पुलिस ने हंजू गैस ते गोलियां चला के अकाली पार्टी दे दिल्ली यूनिट दे प्रधान सरदार अवतार सिंह कोहली ते दो होर सिखां सरदार मनिंदर सिंह ते सरदार गोबिंद सिंह नूं मार दिता। केंद्र च उस वेले जनता पार्टी ते अकाली दल दी सांझी सरकार सी। इसे दिन पुलिस ने शाम नूं बंगला साहिब रकाबगंज वगैरह गुरुद्वारे सील कर दिते। जदों दे गुरुद्वारे कायम होए सन कदे भी इन्हां गुरुद्वारे च सिखां दा दाखला बंद नहीं सी होया। यह हरकत 200 सालां च पहली बार हुई सी ते उह वी अकाली दल दी भाईवाली वाली अपनी सरकार दे वेले।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 3 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 14 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।